हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आप दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त हरदीप दुआ, दोस्तों स्मार्ट सिटी लुधियाना दे श्री जय मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट वालों आज 12 कुड़ियों को स्टिचिंग का कोर्स करवाया गया और उस दिन उन्होंने आज सर्टिफिकेट भी दिए गए। आओ देखते हैं कृपा। जैन चैरिटेबल में सिलाई सीखती हूँ, ये कोर्स 4 महीने का है। यहाँ पे बहुत से कोर्स कराए जाते हैं क्योंकि काफी मैडमों को देखा सिलाई सिखाते हुए, लेकिन इनकी तरह नहीं देखा। पहना हुआ है ना, तो ये हमने खुद सिलाई की है जो हमें हमारी मैडम ने सिखाया था। हमने दोनों भाइयों ने मिलके उसकी यहाँ पे समाधि बनाई है, तो समाधि बनाने के बाद हमने यहाँ पे सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर ते कंप्यूटर के कोर्स स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। आज यहाँ पर जो बच्चे 4 महीने से लगातार सिलाई और कढ़ाई का कार्य सीख रहे थे, आज उनको सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। जो कि यहाँ पे हमारे देवराज जैन जी अंकल जी बहुत ही निष्ठा से और सेवा से बहुत ही अच्छा समाज के लिए कार्य करते हैं। वाह जी वाह। सो दोस्तों देखिए किस प्रकार ना सारी कुड़ियों ने स्टिचिंग करवा के सर्टिफिकेट दिए गए। सुन वेला चला प्रोग्राम अगे बता, इस मौके पर असं खास गलबात की ट्रस्ट के मैंबरस नाल ही इन्होंने फाउंडर मैंबर चेयरपर्सन आवेदे ना सारे का अज के सर्टिफिकेट इवेंट बारे की कहना है। मेरा नाम कोमल है, मैं यहाँ पे श्री श्याम लाल मुनि जैन चैरिटेबल में सिलाई सीखती हूँ। ये कोर्स 4 महीने का है। यहाँ पे बहुत से कोर्स कराए जाते हैं, कंप्यूटर कोर्स, पार्लर कोर्स, सिलाई कोर्स, ये सारे सिखाए जाते हैं। ये बच्चों को इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, आगे जाके हमको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इससे हम अपने घर का खर्चा वगैरह सब चला सकते हैं। ये हमको बताता है हम में क्या टैलेंट है जिससे हम आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। मेरा नाम रानी है, मैं इसमें बहुत सीखती हूँ। जो हमें सिलाई सिखाया जाता है बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। हमारी मैडम है बहुत अच्छे से सबका सिलाई सिखाती हैं। ऐसी मैडम मिलेंगी नहीं कहीं, क्योंकि काफ़ी मैडमों को देखा सिलाई सिखाते हुए, लेकिन इनकी तरह नहीं देखा। ये सब जितने सिखाते कभी वो नहीं हुआ, सब सक्सेस हुए हैं। आज आपको सर्टिफिकेट मिल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपने पैरों पे खड़ा है। हर चीज़, हर डिज़ाइन सिल सकते हैं, हर एक कपड़ा सिल सकते हैं। जो हमने पहना हुआ है ना, तो ये हमने खुद सिलाई की है जो हमें हमारी मैडम ने सिखाया था। हमें बहुत अच्छा, उन्हें बहुत अच्छा लगा हमारा सूट देख के और खुशी हुई। हाँ जी, हमने अपने आप सिल के पहना है और हमें पहन के बहुत खुशी हुई है। हाँ जी, अपने आप सिला है और पहना। मैंने भी अपने आप ही सिला और खुद पकड़ा जाई हूँ। जो मेरे पिताजी थे वो 20 साल जैन साधुपना उन्होंने पाला है। उसके बाद वो उनकी 1966 में दीक्षा हुई थी, 1986 में उनका काल हो गया था लुधियाना में। हमने उनकी यहाँ पे, हमने दोनों भाइयों ने मिलके उसकी यहाँ पे समाधि बनाई है, तो समाधि बनाने के बाद हमने यहाँ पे सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर ते कंप्यूटर के कोर्स स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। ये 87 में हमने जगह ली थी, 91 में इसका हमने शिलान्यास करवा दिया था और 1996 में हमारा DMC अर्बन हेल्थ सेंटर यहाँ पे जो 14 साल चला है, DMC की तरफ से यहाँ चलता था। यहाँ पे 14 आदमी का स्टाफ था, जो नर्सें वगैरह थी वो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पे रोज़ गाड़ी जाती थी और यहाँ पे 10 रुपए की पर्ची के अंदर सब दवाइयाँ वगैरह, सब दवाइयाँ, जो भी कीमती दवाइयाँ या किसी और टीवी वगैरह, सब दवाइयाँ यहाँ पे मिलती थी। और वहाँ से स्पेशल डॉक्टर भी आते थे, बच्चे का डॉक्टर आता था, तो मेडिकल का डॉक्टर आता था और यहाँ पे वो कैंप भी लगाते थे। किसी को हार्ट टूट गई हो तो वो सारा यहीं पे करते थे। उसके बाद हमने गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी 6 रुपए गज के हिसाब से, 1996 में हमने भरा था वो, हमको 2003 में हमारे नाम अलॉट हो गया था। उसके बाद वर्तमान श्री SP ओसवाल जी ने, हमने उनको बेनती की, उन्होंने अपने फादर के नाम का वहाँ पे 1.25 करोड़ रुपया लगा के वहाँ पे हॉल बना के यहाँ पे किया। शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? कुंवर रंजन।
और मैं जैन साहब के साथ इनके साथ सेवा में जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15-20 सालों से। तो आज यहाँ पर जो बच्चे 4 महीने से लगातार सिलाई और कढ़ाई का कार्य सीख रहे थे, आज उनको सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। और लगातार देवराज जैन जी सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर और बाकी भी बच्चों को तरह तरह के जो उनके अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाया जा रहा है। आज सर्टिफिकेट वितरण है, 12 बच्चियाँ जो लगातार 4 महीने से यहाँ पर सिलाई का कार्य सीखी हैं, तो उनको आज सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा। तो उसके साथ हमारे संस्था के बाकी सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनकी छत्र छाया में ये कोशिश कर रहा हूँ कि समाज का भला कर जितना कर सके उतना करेंगे। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज यहाँ पर जो पिछले 4 महीनों से बच्चे हैं, जो भी लड़कियाँ यहाँ पे सिलाई का और डिज़ाइन का काम सीख रही थी, जो कि यहाँ पे हमारे देवराज जैन जी अंकल जी बहुत ही निष्ठा से और सेवा से बहुत ही अच्छा समाज के लिए कार्य करते हैं, तो आज मैं भी यहाँ सम्मिलित होकर एक बहुत अच्छा मतलब महसूस कर रहा हूँ। और बहुत ही एक मतलब कह लो कि प्राउड फील होता है कि जब हम ऐसे कार्यों में आगे बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, प्रेरणा मिलती है। हम सभी से ये विनती करते हैं कि आगे सभी लोग आगे आकर ऐसे ही कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिले, ताकि जो बच्चे किसी कारणवश किसी भी कारणवश वो आगे नहीं आ पाते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और ऐसी मेरी भावना है। जय महावीर, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, देखिए कुरुवर जी और नाल ही नाल देवराज जैन जी ने साफ तौर पर दसिया कि काफ़ी लंबे समय तो इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, समाज भलाई के काम में जुड़े हुए हैं। और अज तकरीबन 12 कुड़ियों के नाल जो है बच्चों को जो है सिलाई मशीन के सर्टिफिकेट दिए गए, उन्होंने स्टिचिंग का जो कोर्स है पूरा का पूरे तरीके का कंप्लीट हो चुका है। सो असं आस करते कि तुम्हें साडा का प्रोग्राम बहुत ही वधिया लगा। अपने शहर की सफाई रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, मेरे छोटे भैन भरा सारे पढ़ते लिखते रहन, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और COVID-19 का समय चल रहा है, समय समय तो अपने हैंड वॉश करते रहो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो, नाल फेस मास्क का भी इस्तेमाल करते रहो। सो कैमरा परसन प्रिंस के नाल हरदीप दुआ ने दो इजाजत। धन्यवाद।